बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी राजधानी पटना में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित सोनाली पेट्रोल पंप के समीप का है। अगमकुआं थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक की जाँच कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि ट्रक में भूसे के बीच शराब छुपा कर लाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने ट्रक समेत चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्पाद विभाग के डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि ट्रक से 927 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जो हरियाणा से लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा ट्रक चालक और खलासी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस शराब कारोबार में जुटे अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।